उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस शपथ समारोह में सबसे अच्छी तस्वीर भी सामने आई, जब सीएम पद की शपथ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला अपनी विरोधी पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती से मिले। तो जम्मू के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण कर ली है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई, जब सीएम पद की शपथ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला अपनी विरोधी पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती से मिले हैं। दोनों तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस के भी तमाम नेता यहां पर मौजूद रखे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं, तो इंडी गठबंधन के कई नेता नजर आए। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बन गए हैं उमर अब्दुल्ला। तो ये तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गई है। पहली तस्वीर महबूबा मुफ्ती से जब मुलाकात की गई वो तस्वीर, दूसरी तस्वीर में आप अखिलेश यादव को देख पा रहे हैं, और तीसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी इस समारोह के दौरान यहां पर मौजूद रहे। कुशीनगर से खबर लेते हैं, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मॉर्निंग वॉक पर निकले तीन दोस्तों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दो लड़कों की मौत हो गई और एक की हालत इस वक्त नाजुक है। उसे गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बिहार नंबर की स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लिया। कसिया थाने के NH 28 पर यह हादसा हुआ है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। बाइक और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। दोनों लोग एक ही परिवार के हैं, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को CHC अतरौली में भर्ती कराया गया है। हादसा थाना अतरौली के राजगांव में हुआ है। मुरादाबाद से खबर, जहां पर महिला की चाकू से गोदकर हत्या के मामले का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला की देवरानी सुधा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के मुताबिक सुधा के प्रेम संबंधों की जानकारी सीमा को हो गई थी। प्रेम संबंध का राज छुपाने के लिए सुधा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सीमा की हत्या की। साजिश रची और घटनाकांड थाना क्षेत्र के दरियापुर की बताई जा रही है। सीमा का गला रेत कर हत्या कर दी गई। सुधा का शव घर में पड़ा मिला था, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। पुलिस सुधा के प्रेमी की तलाश में अब जुट गई है। एवं कुल मिला के पाया गया कि जो मृतिका की देवरानी है उसी ने ही ये पूरा प्लान बनाया था, एवं उनका पहले से किसी एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप था, जिस कारण जो कि जो मृतिका है उसको पता चल गया था। एवं इसीलिए जो है मृतिका की देवरानी ने ये पूरा प्लान बनाया कि उनको मारने का एवं अपने आप को इस तरीके से बांधने का, ताकि किसी पे शक ना हो। फिलहाल थाना कांठ पुलिस द्वारा मृतिका की जो देवरानी है उन सब पूछताछ की जा रही है एवं अन्य विधिक कार्यवाही इसमें की जाएगी।